हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम जो रिलेटेड है। आपका एसएससी से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। 14 मार्च 2023 को ये एग्जाम हुआ था। इसमें हम जो कर रहे हैं वो फर्स्ट के शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में हमने जो पिछली वीडियो में 12 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हमने सोल्व किए हैं, अच्छे से सोल्व किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, 13 क्वेश्चन से। तो 13 क्वेश्चन क्या बोला है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्यू पर 90 डिग्री है, ठीक है। क्यू आपका ये है, पी आपका ये है, आर ये आपका। पी क्यू जो है 9 है, क्यू आर आपका 11 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट पी, कोट पी की वैल्यू ये पूछिए आपके, ठीक है। तो कोट पी क्या होता है, कोट क्या होता है, एक्चुअली बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और बेस जो होता है वो कोण एंगल के साइड वाली, एंगल के जो साथ वाली साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस कितना 9 है, राइट। और परपेंडिकुलर क्या होती है, अपोजिट साइड हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 9/11 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज थ्राइस देन द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स बताना। तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो आर होगी, और कंप्लीट स्फीयर की रेडियस 3 आर हो जाएगी, क्योंकि थ्राइस बोला है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है इनकी वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम यहाँ पर हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, और इधर हम स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर 3 आर का कंप्लीट क्यूब, क्योंकि रेडियस 3 मल्टीपल है। तो पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 आर क्यूब मतलब 4 3 की पावर 3 हो जाएगी, इधर इधर जो हो जाएगी वो 2 की पावर, क्योंकि आर क्यूब जो है वो इधर से भी आर क्यूब हमने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों तरफ से आर क्यूब कैंसिल आउट कर दिया आपने, ठीक है। 2 से कट करें, 2 एकम 2 और ये आपका 2। तो 2 × 27 इज इक्वल रेशियो 1 रेशियो भाई ये, ठीक है। तो 54:1 आपका राइट आंसर चला जाएगा, 54:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल सब्टेंडेड बाई कोड ऑन ए मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज 65 डिग्री, ठीक है। तो सेम कोड पर सेंटर से सर्कल कितना होगा, सॉरी एंगल पूछा कि एंगल कितना होगा। तो मान लो ये एंगल जो है ये 65 डिग्री का है, ये 65 का है, और ये आपका सेंटर है। या ये कौन आपसे पूछा, ये कौन क्या होता है, डबल हो जाएगा, ऊपर वाले का डबल हो जाएगा, 65 का डबल हो जाएगा, तो 130 आपका राइट आंसर दे देगा। सेंटर पर जो कोण बनते हैं वो हमेशा डबल होते हैं, कहां से जो आर्क पर कोण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है कि टेन थीटा और कोट थीटा कितना, 8 है। टेन थीटा और कोट थीटा कितना हो जाएगा, 8 है, राइट। तो ये हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स 10 वैल्यू मान लिया। अगर ये है तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² आपसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि 8 का स्क्वेयर -2 कर देंगे, तो 64 - 2 कितना आ जाएगा, 62 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 17 बोला कि एट व्हाट टाइम द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज द हाईएस्ट पूछा है, कितने पर होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पर है, ये कितना बजे, 1 बजे के बीच 1 बजे है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कितना टाइम पर सबसे हाईएस्ट है, 1 बजे पर आपका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर दिखा रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एक साइकिल है जिसका रेट 20,000 है, और सेल इज सोल्ड टू द रिटेलर इतने में डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट पूछा है कितना है, तो 20,000 का आपका एमपी है, एमपी कितना है 20,000 का, राइट। और एसपी कितना है आपका, एसपी है 14,000 का।
तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट आपका एमपी माइनस एसपी होता है, ये आपका डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट पूछा तो डिवाइड बाय एमपी में हम डिस्काउंट परसेंटेज करते हैं और इनटू में 100 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी कितना, 20,000, 20,000 माइनस 14,000 डिवाइड बाय 20,000 गुना 100, तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 20,000 है गुना में 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये आपका 3 गया, तो कितना परसेंट हो गया, 30% आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे थे इस शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ इन सर्कल जो है वो आपकी 9/√3 है, क्या है इन सर्कल जो है, इन सर्कल क्या होता है कि सर किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इसकी जो ये रेडियस है, ये रेडियस, ये 9√3, ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस आपकी, ये भी रेडियस है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। जो रेडियस होता है आपका, रेडियस होता है इन सर्कल का, तो ये हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो आपका साइड अपॉन 2√3 होता है। ठीक है, फॉर्मूला, तो रेडियस कितना 9√3 है और इधर साइड कितना, साइड हमें निकालनी 2√3, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 = a, साइड की वैल्यू कितनी है, 54 है, 54 54। पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी का सम कर देंगे, 54 + 54 + 54 करोगे तो 162 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सॉल्यूशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम। क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल इन 2 ईयर्स ऑफ ब्रांच सी टू टू द सेल, टोटल सेल ऑफ बोथ हियर ऑफ ब्रांच सी फोर, टोटल सेल इन द 2 ईयर्स ऑफ ब्रांच सी टू, सी टू की दोनों सेल 79 है, इधर 91 है, 79 और प्लस 91, ये आपकी सी टू की है, कितने हो जाएंगे, 0, 80 और 90, 170 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो बताना सी फोर के साथ दोनों ब्रांचेज 66 और 86, 66 + 86 आपको दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 70 80 और 70, 150 रेशियो निकालना है, कितना आ जाएगा आपके पास, कितने से कट करें भाई, 2 से कट कर ले, 2 से कट करें तो ये आपका 2 8 जा और 2 5 जा और 2 से कट करें तो आपका 76, तो आगे कट नहीं हो रहा, तो 85/76 आपका राइट आंसर दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि a³ - b³ इतना दे रखा है, a माइनस बी इतना है, तो यहाँ पर हमें a³ - b³ कर लेंगे जो 988 के बराबर है, a - b कितना, 4 के बराबर, तो ये हमें निकालना है कि इस तरह से आपका निकलेगा वैल्यू। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, वैल्यू पुटिंग से सोल्व करते हैं, तो वैल्यू पुटिंग से आपका क्या आएगा, कुछ ऐसी वैल्यू हमने माननी पड़ेगी जिसके क्यूब का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए, और ऐसा कब होगा आपका, तो चलो इतना हम छोड़ देते हैं, फिर भी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। तो आप इसको चेक करोगे तो क्या है, 2 कॉमन ले लोगे, a² + ab + b² तो दे रखा है, तो a³ - b³ जो होता है वो आपका क्या होता है, a² + ab + b², यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकालोगे, इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है, आपका 988 दे रखा है, डिवाइड कर दोगे 4, तो 4 से 4 कट करोगे तो 4 2 जा 4 4 जा और 4 7 जा,
ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू है, इसको पुट कर दो 2 × 2 = 7, आपको कितना दे देगा 494, आपका राइट आंसर दे दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप एक काम करो, या तो इसको डिवाइड करके देख लो, या फिर सभी का जो एलसीएम लेंगे वो सोल्व करेंगे। तो आप एक काम करो, 6/5 हम सिंपल सा क्यों इतना हेडिक ले, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 पॉइंट ये आपका, ये तो 1 हो जाएगा, सबसे बड़ा है 6/5 है, लार्जेस्ट तो आपका 6/5 है। स्मॉलेस्ट चेक कर लेते हैं, 11/15 को चेक करते हैं, तो 15 0 1 15, 8 जा 120, 15 7 जा समथिंग जाएगा, 4/7 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका कितना 4 0 5। ठीक है, 5/13 आपका 0.3, ठीक है 0.3, तो सबसे छोटा आपका ये है और सबसे बड़ा ये आपका, तो दोनों को सम करना है, बस आपका ये आंसर आ जाएगा 65। और आपका 13 6 78 + 25 कितना आ जाएगा आपका 103/65, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए बी को एक कोण दिया गया सर्कल पर, और ओ जो है वो उसका सेंटर है, ए ओ पी 130 डिग्री है। ए बी एक कोण है, ए बी एक कोण है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ए बी एक कोण है, ये लो भाई कोण ले ली, ए बी ए ओ बी कितना है 130। बोला कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोण मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन अभी अभी आया, जस्ट इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ये पूछा कि अगर सेंटर पे ये एंगल 130 का, तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा 65 का। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया इसने। बोला कि राजीव ने स्कोर किया 20% नंबर, और एग्जाम में फेल होगा 25 नंबर से, 50% स्कोर करने पर 20 नंबर ज्यादा मिले तो पासिंग मार्क क्या है। तो पासिंग मार्क क्या होती है, जो फेल होते हैं उसमें वो कुछ नंबर ऐड हो जाते हैं वो पासिंग होती है, जो पास होते हैं उसमें से कुछ नंबर माइनस हो जाते हैं वो फेल होते हैं, सॉरी पासिंग होती है मार्किंग। तो 20% में अगर हम 25 नंबर को ऐड किया तो ये पास हो गया, अगर 50% में से हम 20 नंबर को माइनस कर देंगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व, तो ये आपका 30% आ जाएगा और इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, 15 से 2% इज इक्वल टू 15 से 3। इसको 100 बना, क्या चाहिए पासिंग मार्क फॉर दिस एग्जाम, 2% की वैल्यू 3 है। ओके, तो 100% जो होगा वो कंप्लीट मार्किंग होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 50 से किया, इधर भी हम मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, तो कितना आएगा 150 आ जाएगा, 150 आएगा राइट। ये तो टोटल पासिंग मार्क है, टोटल पासिंग मार्क है, तो 150 का आप 20% यहाँ रख सकते हो। ठीक है, या फिर 150 का 50% आप यहाँ रख सकते हो, तो कैसे भी आप रख सकते हो, तो हम सोल्व कर देंगे। तो 150 का हम क्या करते हैं, 50% सोल्व कर लेते हैं, तो 150 का आधा कितना होता है आपका, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 में 20 माइनस कर दो, क्योंकि ये कंडीशन पूरी आपने सोल्व करनी है, जब भी तो अगला पास होगा सॉरी पासिंग नंबर लेगा, तो ये आपका 55 आपका राइट आंसर दे देगा। चाहे आप इसमें आप सोल्व कर सकते हो 20% रख के, 150 का 20% आप रख दो, 20% 20/100 प्लस में 25 आप कर सकते हो, तो 1 से 5, 1/5, 5 से आप 30 पे गया, तो 30 + 25 आप लेकर आओगे, तो जब भी आपका 55 नंबर जो होगा वो दोनों में क्या होगा, एक पासिंग मार्क के जरिए लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इन विच द ईयर सेविंग आर मैक्सिमम, सेविंग क्या है, एक तो इनकम है और एक से एक्सपेंडिचर है, तो इन दोनों इनकम ये है आपका व्हाइट और एक्सपेंडिचर जो है ब्लैक है।
तो Y1 में देख लेते हैं 400 की सेविंग है, Y2 में 300 की सेविंग है, और Y3 में 100 की सेविंग है, Y4 में आपका 600 की सेविंग है, और Y5 में 150 की सेविंग है। तो सेविंग ये पूछा आपसे कितने साल में सबसे ज्यादा, तो Y4 में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि 800 रुपये कमाता है, 200 रुपये खर्चता है, तो इस कितना रुपये बचा उसके पास, 600 रुपये बचा, ये आपका राइट आंसर दे देगा Y3। ओके, क्या पूछा इसने, इन विच मिनिमम पूछा, सॉरी भाई मैं मैक्सिमम पढ़ गया, मिनिमम है ये आपका, मिनिमम तो Y3 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर यहां पर मैं होता तो ये क्वेश्चन जरूर गलत करके आता, अगर मैं लापरवाही से इस क्वेश्चन करता तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आएगा, आ गए होंगे। इस वीडियो के हम सॉरी इस एग्जाम के हमने 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में पूरी बेसिक डिटेल के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।